देखिए निवेदन है हमारे भाइयों से, फरमाइश अगर आप कहो तो हम लोग फरमाइश करते रहे ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये जवाबी है और जगराता में फरमाइश होती है। अगर हम जवाबी में ये गीत गाएंगे तो फिर जवाबी नहीं रहेगा। अगर आप लोग चाहें तो जवाबी रखें, आप लोग न चाहें तो फिर फरमाइश ही होंगी। हाँ, तो जवाबी का क्रेडिट खत्म हो जाएगा, इसलिए निवेदन है। जैसा कि एक बहुत अच्छी फरमाइश आई है, दो पंक्तियां सुना रहा हूँ हमारे भैया से, किसी माता ने मैया ने कहा है, सुनिए। अरे मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे। आप बार बार कह रहे हो हमारे चंदन जी का गुरु गुरु जी का गीत है, बहुत धन्यवाद है हमारे गुरु जी को, लेकिन निवेदन है इस छोटे भैया के लिखे हुए गीत को सुनना। और एक बात और आपने कही कि मैंने जो गीत गाया है 7 वचन, 1 वचन, 2 वचन की 8 साल पहले मैं गा गया हूँ, तुमने पप्पू चोरी का गाया है ये गीत। पीछे राज जी बैठे, आज से 16 साल पहले का लिखा हुआ गीत है ये गीत, हम गा चुके हैं। तुम तो हमारा भी 1 साल पहले गा गए होगे, फिर हम क्या करें? हमारे गीत हमने गाया है, तुम्हारे तुमने लिखा है ये गीत। चंदन गुरु जी सामने बैठे ये कहते हैं ये इनका गीत है, मैं मान जाऊंगा। अरे मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे। अरे हंस चुगेगा दाना और कौआ मोती खाएंगे, कौआ मोती खाएंगे, कौआ मोती खाएंगे। सुनिए, रामचंद्र कह गए सिया से ये गीत। हम लोग नैनीताल शूटिंग करने गए थे और हम और हमारे बड़े भैया ब्रजमोहन राठौर जी, ये गीत वहां बाबा नीम करोली के मंदिर पर शूट हुआ था और बड़ा ही सुंदर गीत है, बड़े मन से लिखा था मैंने, सुनिए। अरे मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे, मम्मी को भूल जाएंगे, हंस चुगेगा दाना पानी, कौआ मोती खाएगा। अब सुनिए, दूध दही का शौक था पहले, अब वो शौक नहीं है, वो शौक था पहले, अब वो शौक नहीं है, अब वो शौक नहीं है, अब वो शौक नहीं है। आदरणीय गुरु चंदन जी, दूध दही का शौक था पहले, पहले माता बहने हमारी बूढ़ी मैया पहले मट्ठा फेरा करती थी, दही होता था, सोचती थी हमारे बच्चे खा खा के तंदुरुस्त होंगे, ये शौक था पहले। भैंसों को पाला करते थे, गैया मैया को पालते थे, लेकिन आजकल शौक का है कि मालूम, दूध दही का शौक था पहले, अब वो शौक नहीं है, दूध दही का शौक था पहले, अब वो शौक नहीं है, ओ दूध दही का शौक था पहले, अब वो शौक नहीं है। पग पग पे ठेका खुल गए हैं, कोई रोक नहीं है, बहुत बड़ा है।
की बात सुनिए। पहले जैसे बाप नहीं अब ना कोई दशरथ है, पहले जैसे बाप नहीं कोई या कोई दशरथ है, पहले जैसे बाप नहीं है ना कोई दशरथ है। लोग ये कहते हैं कि पंडित जी हमाओ छोरा हमें बहुत गारी देवे, हमाओ छोरा बहुत हमसे उल्टी सीधी कह दे, लेकिन प्यारे ये मेरा वादा है, तुम अगर दशरथ हो, अगर तुम दशरथ हो तो तुम्हारे घर में राम जरूर आएगा, लेकिन तुम खुद रावण हो तो छोरा का करे वो, तो मेघनाथ तो होंगे ही। पैरा झुमका बरेली वाला, ये कौन से बाजार में गिरा था? अरे पागलो, जिससे हमारे देश की पहचान है, जिससे हमारे शहर की पहचान है, और तुम कह रहे झुमके बारी बरेली नहीं है। अरे तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे बरेली की लोग मुंबई में भी तारीफ करते हैं, झुमका गिरा रे। अब आजकल तो गर्व होना चाहिए, आजकल किसी का झुमका गिर जाए या कोई चीज गिर जाए तो बताते भी नहीं है लोग, लेकिन यहाँ कितने बढ़िया लोग बता रहे हैं कि झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में। लेकिन हम ईमानदार लोग, हम अपनी कुरावली की चीज जो मशहूर है वो बताएंगे नहीं। हमारे कुरावली का मशहूर मालूम क्या था भैया? बता दें, पता कर लेना। हमारी कुरावली का चमड़े का जूता मशहूर था, बहुत दूर दूर तक जाता था, बहुत दूर तक जाता था। हाँ सुनिए। अरे पहले जैसे राम नहीं तो ना दशरथ कोई है, पहले जैसे राम नहीं है ना दशरथ कोई है, पहले जैसे राम नहीं है ना दशरथ कोई है। घर में रोते मात पिता अब आँख मेरी रोई है, इसलिए अंत में मैंने एक पंक्ति लगाई है, खुद समझो मेरे भाई बहन चंदन कब तक समझाएंगे मम्मी को भूल जाए। ऐसे गाओ। ये 21 रुपए हमारे बड़े भैया की तरफ से आए हैं, बहुत सुंदर जागरण पार्टी चलाते हैं, आपको जरूरत हो तो संपर्क कर लेना। चंदन दीवाना यूट्यूब पर ऐसे फेमस नहीं होगा, ये छींचा लेसन नहीं करते। और ये 101 रुपए हमारे दादाजी की तरफ से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, और ये 21 रुपए हमारे बड़े भैया की तरफ से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये 11 रुपए गुड़िया की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कुत्ते को गोदी में लेंगे और फिर वो टहलाएंगे, मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे, हो भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे। बोले सच्चे दरबार Hey!